आज का आपका पहला यानी सवाल नंबर एक है, हाल ही सियाचिन दिवस कब मनाया गया है? ए 11 अप्रैल को, बी 13 अप्रैल को, सी 12 अप्रैल को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है बी 13 अप्रैल को। तो आज का आपका अगला सवाल है सवाल नंबर दो, कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? ए जर्मनी, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है सी ऑस्ट्रेलिया। तो आज का आपका अगला सवाल है सवाल नंबर तीन, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ए रोहित शर्मा, बी हार्दिक पांड्या, सी विराट कोहली, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है बी हार्दिक पांड्या। तो आज का आपका अगला सवाल है सवाल नंबर चार, हाल ही में भारत के G20 के मुख्य सचिव कौन बने हैं? ए मोहन गर्ग, बी विनय मोहन क्वात्रा, सी हर्षवर्धन श्रृंगला, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है सी हर्षवर्धन श्रृंगला। तो आज का आपका अगला सवाल है सवाल नंबर पांच, हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहां आयोजित हुआ है? ए पंजाब में, बी झारखंड में, सी महाराष्ट्र में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है बी झारखंड में। तो आज का आपका अगला सवाल है सवाल नंबर छः, हाल ही में लॉयड में ने पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ए सौरभ गांगुली को, बी विराट कोहली को, सी अक्षय कुमार को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ए सौरभ गांगुली को। तो आज का आपका अगला सवाल है सवाल नंबर सात, हाल ही किस राज्य सरकार ने फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? ए ओडिशा राज्य सरकार ने, बी पंजाब राज्य सरकार ने, सी हरियाणा राज्य सरकार ने, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है सी हरियाणा राज्य सरकार ने। तो आज का आपका अगला सवाल है सवाल नंबर आठ, हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिलिंग इंटरनेशनल ने 2021 का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया है? ए डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, बी अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, सी डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है बी अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। तो आज का आपका अगला सवाल है सवाल नंबर नौ, हाल ही में कहां जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ए जम्मू कश्मीर में, बी लद्दाख में, सी दिल्ली में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ए जम्मू कश्मीर में। तो आज का आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 10, हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ए रूस, बी इक्वाडोर, सी अमेरिका, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है सी अमेरिका देश।
तो आज का आपका अगला सवाल है सी फॉर यू, यानी मानव रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है। ए प्रकृति के, बी WBC के, सी हीमोग्लोबिन के, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है, यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सी फॉर यू लिखकर बता सकते हैं, जिससे हमें भी पता चल सके कि आप लोग कितने जीनियस है। साथ ही साथ ऐसी धमाकेदार एंड मजेदार एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी ऐसी वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके जैसे हम उस वीडियो को अपलोड करें। फिर मिलेंगे ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।